ये सैटरडे परसों, डे आफ्टर टुमारो। तो आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था कि किसी भी दो टर्म का एक सीक्वेंस में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले उसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो अगर हमेशा कांस्टेंट है, इफ रेशियो आर एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म in a sequence is constant throughout the sequence, ratio of any two consecutive term, कोई भी दो term ले उनका ratio अगर क्या है constant है, same है पूरे sequence में throughout the sequence, then sequence will be GP. तो वो सीक्वेंस क्या होगी, GP होगी। Then for example if A1, A2, A3, A4 up to AN -1 AN ऐसे एक GP, then A2 upon A1 लिखिए आप, second term upon first, third upon second, fourth upon third, ये सेम होगा थ्रू आउट द सीक्वेंस, n से टर्म अपॉन n माइनस 1 टर्म। जैसे वहां पे डिफरेंस सेम होता था और उसका नाम क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, ऐसे यहां पे रेशियो सेम होता है और इसलिए इसका नाम लेते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस को हम जनरली स्मॉल लेटर d से रिप्रेजेंट करते थे, यहां रेशियो के वर्ड स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन रेशियो। A2 upon A1, A3 by A2, A4 by A3, AN by AN minus 1 equal है, उसी को कहेंगे common ratio। If A is faster, आपका GP, and R is common ratio, then GP will be, अगर आपको कॉमन रेशियो पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो आप जीपी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म पता है कॉमन डिफरेंस पता है तो एपी लिख सकते हो। क्या होता है एपी में, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाए नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है, ऐसे ही कॉमन रेशियो से यहां पे मल्टीप्लाई करते जाए आगे के टर्म आते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए इंटू आर, क्योंकि सेकेंड अपान फर्स्ट ही कॉमन रेशियो, ए आर अपान ए। थर्ड क्या होगा, ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर पावर फोर, इस तरह से जीपी मिल जाएगी। नोट कर लीजिए, ये बेसिक पॉइंट है जीपी का कि जीपी क्या होती है, जीपी की डेफिनेशन क्या है, किस सीक्वेंस को जीपी हम कहते हैं, और अपीयरेंस अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो हम लोग आगे के टर्म लिख सकते हैं। ठीक है आदित्य, यहीं से हमने स्टार्ट किया थी और अभी जो बोला वही रिपीटेशन इसका, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का सीक्वेंस में किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म्स के रेशियो जो है कांस्टेंट है अगर, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं हम जीपी। यानी कि a1 a2 a3 a4 an जीपी है, तो a2 upon a1 a3 upon a2 a4 by a3 ये सेम होगा और दैट इज विल बी नोन एज कॉमन रेशियो। अब करें किसी जीपी का, a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, तो वो जीपी हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म पता है तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते जाओ आगे के टर्म मिलते जाएंगे। तो सेकंड टर्म होगा a इनटू r, थर्ड टर्म होगा ar स्क्वायर, फोर्थ होगा ar क्यूब। देखो सेकंड अपॉन फर्स्ट लिखोगे तो r आएगा, थर्ड अपॉन सेकंड लिखोगे तो r आएगा। नोट कर लीजिए और बताइए कोई डाउट है तो। नोट करें, फिर हम लोग इससे रिलेटेड और पॉइंट्स लिखते हैं।
है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एपी में पहले हमने लिखा था nth टर्म, वहां पे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो से हम यहां पे हम लिखेंगे, वहां पे लिखा था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस था वहां पे हमें पता, तो वहां लिखा था a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो इसी तरह से देखिए nth टर्म ऑफ जीपी इसको टी एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, टी मतलब टर्म, nth टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है ए आर का पावर जीरो है, सेकंड में ए आर का पावर वन है, थर्ड में आर का पावर टू है, तो एन में आर का पावर क्या होगा, एन माइनस वन। nth टर्म को ही हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई दूसरा टर्म लिख सकते हैं, एन की वैल्यू वन रखो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, टू रखो इसमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, फाइव रखो फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो जनरल टर्म आर nth टर्म इज ए आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है उसके लिए लिख रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड वन। सम ऑफ एन टर्म विल बी एस एन बराबर ए इंटू वन माइनस आर रेस्ट टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, नोट करें ये फॉर्मूला। जनरली ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जब r लेस देन वन हो, r ग्रेटर देन वन हो, तो हम ऐसे लिख देते हैं a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। वैसे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, माइनस इसमें कॉमन लो, माइनस इसमें कॉमन लो, सेम आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स r वन होगा तो देखो ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो डिफाइंड नहीं है, r वन के लिए अलग है n इंटू a। आर अगर वन हो गया तो टर्म क्या होंगे, कॉमन रेशियो वन हो गया तो ए ए ए सारे टर्म ए हो जाएंगे, तो ऐड करोगे तो टू टाइम्स ए को ऐड करोगे टू ए आएगा, थ्री टाइम्स ऐड करोगे थ्री आएगा, एन टाइम्स ऐड करोगे तो एन ए आ जाएगा। नोट करिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले फर्स्ट सेकेंड सेम लिखे हैं, माइनस माइनस कॉमन लिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, लेकिन आर वन से बड़ा हो तो ज्यादातर ये लगा लेते हैं, आर लेस देन वन हो तो ये लगा लेते हैं, पॉजिटिव है बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी लगाइए दोनों में से, आर इक्वल टू वन है तो ये नहीं लगा सकते, एन इन टू ए लिखिए। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आया ये था, सम ऑफ एन टर्म्स, लेट एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी इज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर पावर एन माइनस टू प्लस ए आर पावर एन माइनस वन। ए आर पावर एन माइनस वन ये है ना एन टर्म्स का सम, इन सबको ऐड करना है, वो एस एन हमें कैलकुलेट करना है कि इसके बराबर, आर इज इक्वल टू वन वाला केस तो हम ऐसे ही कर लेंगे, Not equal to 1 के लिए देखते हैं कैसे प्रूव हो। इसके लिए अगर इसमें r से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, जो कॉमन रेशियो है जीपी का उससे मल्टीप्लाई करना है, और एक टर्म बाद से लिखना है इस सीक्वेंस को, तो पहले एक टर्म क्या लिखना है ar, फिर सेकंड क्या लिखना है ar स्क्वायर, फिर ar क्यूब अप टू ar पावर n माइनस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ar पावर n माइनस 1, फिर आएगा ar पावर n, तो ये इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करो, फर्स्ट में से जब सेकंड सब्ट्रैक्ट होगी तो देखिए क्या क्या आ जाएगा टर्म, ये ar ar से कैंसिल, ar स्क्वायर कैंसिल, अब टू ar पावर n माइनस 1, ये मिडिल टर्म सभी कैंसिल हो जाएगी, यहां sn कॉमन होगा आ जाएगा 1 माइनस r इनटू sn बराबर a माइनस ar पावर n, a यहां से कॉमन 1 माइनस r पावर n, इस 1 माइनस r से डिवाइड करोगे तो sn बराबर आ गया a इनटू 1 माइनस r पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्म है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, नोट करिए किसी को भी डाउट है तो बताइए। सेकेंड पॉइंट,
एपी में भी ऐसे ही हमने बनाया था, सम ऑफ एन टर्म्स वहां क्या था, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और एनथ टर्म था ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। लेकिन वहां इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमने नहीं कैलकुलेट किया था, क्योंकि तो वहां इंफिनिटी का सम क्या होगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। डी पॉजिटिव इंक्रीजिंग एपी है या डिक्रीजिंग एपी है उसके अकॉर्डिंग माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, लेकिन जीपी में सम फाइनाइट भी आ सकता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो देखेंगे उसे, थर्ड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपका जीपी, ये एन जो है इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट टर्म्स में तो क्या होगा, तब आंसर होता है ए अपॉन वन माइनस आर व्हेन आर इज माइनस वन टू वन, आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो, या जल्दी जीरो और वन के बीच में हम लेते हैं, और यही आर ग्रेटर देन वन है, आर इक्वल टू वन, या मॉडुलस आर का, तो मॉडुलस आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, या आर वन से बड़ा है या आर माइनस वन से भी छोटा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू आएगी प्लस आर माइनस इनफाइनाइट। नोट करेंगे कैसे आएगी अभी देखते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ये देखिए n टर्म्स का सम हम लोग लिख चुके हैं, r की वैल्यू 1 से अगर छोटी है, मान लीजिए r की वैल्यू 1 बाय 2 या 0.5, स्क्वायर करोगे तो कितना है 0.25, वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई, कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की समझा रहे हैं आदित्य राय, ध्यान से सुनिए, थर्ड पॉइंट फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसी का एक्सप्लेनेशन अब बताया जा रहा है, सुनाई दे रहा है सबको, तो ध्यान सुने, r अगर 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है, 1 by 2, 0.5, तो r स्क्वायर क्या होगा 0.25 होगा, r क्यूब क्या होगा 0.125। जैसे जैसे एक्सपोनेंट इंक्रीज करते हैं वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, r पावर 10 लोगे तो 1 अपॉन 1024 आ जाएगा, आएगा 0.000 के बाद आएगी कोई वैल्यू, तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो r पावर n ये जो यहां पर है, n जब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो ये किधर अप्रोच करने लगेगा, जीरो की तरफ, यही है r जब माइनस वन से वन के बीच में, तो r पावर n की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते करते इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगी, तो ये r पावर n की जगह क्या लिखोगे, जीरो, जीरो के तो क्या बचा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम a अपॉन वन माइनस आर, ये लिखा है थर्ड वाले में, और अगर वन से बड़ा है, यानी मान लीजिए पहला टर्म a, r की वैल्यू टू हो गई, तो फिर अगला क्या होगा 2a, फिर 4a, तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, r अगर आप 1 से ग्रेटर लोगे, r की वैल्यू 2 ले ली, तो r पावर 10 हो जाएगा 1024, पर 10th टर्म में ही आप 1024 ये मिल जाएगा, आगे और बड़ी होती जाएंगी, तो ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, a अगर नेगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, a पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी आ जाएगा, तो मेन तो ये फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस इंफिनिटी पे नहीं आते क्वेश्चन, आता है ये कि r की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में आ रही है, जीरो और वन ज्यादातर क्वेश्चन में होता है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, a अपॉन वन माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जी a अपॉन वन माइनस आर, नोट कर लीजिए, और अब कोई दिक्कत है तो बताइए, कुछ और पॉइंट देखते हैं फिर क्वेश्चंस पर आएंगे इसके जीपी में। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इन टर्म है जीपी में, देन क्या कर सकते हो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा ए सी, ए बी सी थ्री टर्म्स है जीपी में, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड, क्या आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी,
तो जीपी कर सकते हैं, या एबीसी जीपी में है तो हम कर सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी हो। जैसे एपी में हो तो क्या होता है, टू बी बराबर ए प्लस सी, पढ़ा था ना एपी में, वैसे यहाँ पर जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थ्री टर्म्स एपी में एज्यूम करने हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ए माइनस डी ए ए प्लस डी। ये जीपी में एज्यूम करने हो तो थ्री टर्म्स इन जीपी, ऐसे लेना है जिससे प्रोडक्ट में आर कैंसिल हो जाए। प्रोडक्ट दिया है तो इसका फायदा है, जैसे वहां सम दिया हो तो फायदा होता है कि ऐड करते ही थ्री आएगा डी कैंसिल हो जाएगा। तो विद कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो कितना है आर। देखिए सिमेट्री में आपसे बार बार एपी बात करता हूं और इसको रिलेट करता हूं, तो एक सीक्वेंस आपने एपी पढ़ ली तो देखिए उसको रिलेट करके ही जीपी बता रहे हैं, उसी से रिलेट करके हम फिर एसपी की बात करेंगे। थ्री टर्म्स इन जीपी विल बी ए बाई आर ए ए आर विद कॉमन रेशियो आर। अगर तीन टर्म दिए हुए हैं आपको टर्म अपनी तरफ से एज्यूम करने हैं, कहा गया देयर आर थ्री टर्म्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज गिवन और कुछ एक्सप्रेशन दिया है, आपसे पूछा गया टर्म के बारे में, तो आप टर्म एज्यूम करो ए बाई आर ए ए आर। ऐसे फोर टर्म्स एज्यूम करने हो तो फोर टर्म्स इन जीपी, चलो a अपॉन आर क्यूब ए बाई आर ए आर ए आर क्यूब विथ कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस 2d होता है इवन में, तो यहां इवन में जब भी लिखो तो दो टर्म ए बाई आर ए आर लिखो और आर स्क्वायर कॉमन रेशियो के साथ टर्म लिखो, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल टर्म a लिखो और सेम नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट और राइट में लिख दो कॉमन रेशियो आर के साथ। फाइव टर्म्स बताइए क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म ए लिखो, एक टर्म हो गया, टू टर्म्स इसके बाद लिखिए, टू टर्म्स इसके पहले लिखिए, ए हो गया। ऐसे सिक्स टर्म्स लिखते हो तो मिडिल टर्म में लिखे ए बाई आर ए आर, दो टर्म आ गए, टू टर्म्स इसके राइट में लिखे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर के साथ, टू लेफ्ट में लिखे, यह कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं सभी टर्म्स आप इसके, नोट कर लीजिए, यह पॉइंट नंबर फाइव। और कुछ पॉइंट देखते हैं, एपी से फिर से मैं रिलेट कर रहा हूं बस को। एपी में हमने पढ़ा था ए वन ए टू ए थ्री एन, एपी में सब में सेम वैल्यू ऐड कर दे तो भी रिजल्टिंग टर्म एपी रहती है, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो भी एपी रहती है। वैसे यहां देखें इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, इसका कॉमन रेशियो क्या है आर, देन अगर आप सब में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो, मान लो के मल्टीप्लाई कर दो, ए टू ए वन बाई ए वन के ए टू के ए थ्री के अप टू ए एन के, ये क्या रहेगा जीपी रहेगी, कॉमन रेशियो क्या रहेगा आर ही रहेगा। वहां कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता था मल्टीप्लाई करने से, कॉमन डिफरेंस हो जाता था डी के, एपी रहती थी, लेकिन यहां कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगा, क्यों, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जैसे ही करोगे तो के कैंसिल ए टू अपॉन ए वन बाई आर आएगा, थर्ड अपॉन सेकेंड करोगे के कैंसिल ए थ्री बाई ए टू आर आएगा, सब में सेम क्वांटिटी डिवाइड करते ए वन बाई के ए टू बाई के ए थ्री बाई के अप टू ए एन बाई के आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो, तब भी आर ही रहेगा। सेम क्वांटिटी के से डिवाइड करने से भी जीपी मिलेगी, कॉमन रेशियो आर होगा। सबका सेम पावर ले लें, ए वन पावर के ए टू रेस्ट टू दावर के ए थ्री रेस्ट टू दावर के अप टू ए एन रेस्ट टू दावर के, ये भी जीपी है विद कॉमन रेशियो चेंज हो जाएगा आर रेस्ट टू दावर के। देखिए डिवाइड करेंगे तो ए टू अपॉन ए वन पावर क्या है,
सबका सेम पावर ले ले तो भी जीपी रहेगी, एपी में ऐसा नहीं होता। सब में यहां पर ऐड अगर करेंगे तो जीपी नहीं बनेगी, वहां पे एपी रहती थी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे भी। यहां ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सेम पावर ले सकते हैं। एक और पॉइंट है, अगर हम सर्किट का लॉग ले लें, लॉग ए वन एल एन ए वन, लॉग ए टू एल एन ए टू, एल एन ए थ्री एल एन ए एन, लॉग लेने पर ये जो एपी होती है जीपी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एपी में। अगर सभी टर्म्स का लॉग ले लोगे तो वो जीपी नहीं, अब क्या बनेगी, एपी विथ कॉमन रेशियो। इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, सॉरी कॉमन रेशियो तो आएगा नहीं, एपी है तो कॉमन डिफरेंस एल एन आर, कॉमन डिफरेंस एल एन आर। कैसे देखिए, एल एन ए टू माइनस एल एन ए वन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपान एन, और ए टू अपान ए वन कितना है आर। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एन बाई एन हो जाएगा, ए थ्री बाई ए टू आर। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कॉन्स्टेंट आ रहा है, एल एन आर आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग इसे, ये बन गई एपी। कोई डाउट है, बताएं सिक्स में कोई डाउट। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट सेवन, वेरी सिमिलर टू एपी, नोट करिए जल्दी से सिक्स, और फिर देखते हैं पॉइंट नंबर सेवन, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जीपी पर। पॉइंट नंबर सेवन में क्या था, या एपी में हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड, स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म है उनका सम थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉन्स्टेंट होता है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। वहां सम था, यहां जीपी में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ, लिख ले, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड, इन अ जीपी इज कॉन्स्टेंट, and equal to product of first and last term, and equal to product of first and last term, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड। ऐसे लिखा हो कि ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन ए एन जीपी में, तो आप स्टार्टिंग से अगर थर्ड टर्म ले रहे हो, लास्ट से थर्ड टर्म ले रहे हो, इनका प्रोडक्ट ए थ्री इंटू ए एन माइनस टू, या फिर आप स्टार्टिंग से सेकेंड लो, लास्ट से सेकेंड लो, ए टू इंटू ए एन माइनस वन, या फर्स्ट और लास्ट लो, ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा और फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के ही बराबर होगा। जैसे आपको बताया था यहाँ जीपी में प्रोडक्ट देखना है, और इन सभी स्क्रिप्ट का सम देख लीजिए, सब स्क्रिप्ट का सम सेम है तो वैल्यू सेम होगी, एन माइनस टू प्लस थ्री एन प्लस वन, एन माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन, वन प्लस एन एन प्लस वन। तो आप ऐसे देखिए, ए टेन इंटू ए ट्वेंटी बराबर, ऐसे लिखाओ a12 into a lambda, तो आप क्या कहोगे, ये इक्वल होगा when lambda is equal to, बोलिए 18, 10 plus 20 30, तो 12 plus क्या होना चाहिए 18, तो हो जाएगा 30, कोई डाउट।
ये है पॉइंट्स रिलेटेड टू जीपी, क्वेश्चंस करते हैं इस पर। एलएचएस में जितने टर्म होंगे उतने ही आरएचएस में होंगे, ये अगर दो से ज्यादा है तब भी होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये A10 into A30 into A70 बराबर A2 into A5 into A lambda, then find lambda. So lambda बताइए, बोले दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं सर। 23 33 33 इन दिनों को ऐड करो, 10 + 13 + 17 बराबर 2 + 5 + लैम्डा, तो लैम्डा यहां से आ गया 40 - 7 33। ये आंसर 33। नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखिए। इफ इन अ जीपी T3 = 2 एंड T6 - 1/4 देन फाइंड T10, तो T10 कैलकुलेट करें, देन फाइंड T10। नोट करिए, और ये क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 2। T3 2 है, T6 - 1/4 है, देन फाइंड T10, तो T10 कैलकुलेट करो। बताओ क्या आंसर है T10 का। इसका भी आ रहा है, जल्दी से बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और आंसर बताने की कोशिश करिए सभी लोग। T10 की वैल्यू 10th टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं, ए और कॉमन रेशियो आर, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर, देयरफॉर T3 थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर पावर 3 - 1 मींस ए आर स्क्वायर बराबर है 2। इस क्वेश्चन आगे T6 क्या होगा, कॉमन रेश T10 निकालना है, देयरफॉर T10 क्या होगा, ए आर पावर 10 - 1, ए की वैल्यू 8, आर की जगह लिखा -1/2 power 9, क्या हो गया 8 - -1/500 square, फिर से कैंसिल होगा तो कितना आंसर आ गया -1/64। -1/64 क्या आंसर, कोई डाउट इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, 3।
A1, A2, A3, A4 are in GP such that A3 minus A1 बराबर 9, A2 minus A4 बराबर 18, then find A1, A2, A3, A4. ये टर्म्स कैलकुलेट करें, A1, A2, A3, A4 जीपी में है, ये दिया हुआ है A3 माइनस A1 9 है, वैल्यू 9 लिखे, A2 माइनस A4 18 है, तो A1, A2, A3, A4 कैलकुलेट करना है, ये क्या होंगे, करिए सभी लोग कैलकुलेटर, इसको क्वेश्चन नंबर 3 फोर टर्म्स जीपी में है और इसकी हेल्प से बनाइए तो लेट टर्म्स क्या ले लें हमें कोई प्रोडक्ट तो दिया नहीं है इसको ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ले लें A1 यहां पर A है, A2 AR है, A3 AR स्क्वायर है, A4 AR क्यूब है, इसको यूज करें, तो सिंस A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 में क्या हो गया, AR स्क्वायर माइनस A, बराबर है 9, A कॉमन ले तो A इंटू R स्क्वायर माइनस 1, बराबर 9, ये फर्स्ट इक्वेशन, और A2 माइनस A4, A2 माइनस A4, A2 क्या हुआ AR माइनस AR क्यूब ये बराबर दिया है 18 इसमें से माइनस AR कॉमन लें ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18 अभी तो इक्वेशन दोनों से A और R कैलकुलेट कर लीजिए AR आ गए तो A1 A2 A3 A4 आ जाएंगे वही आंसर है तो डिवाइड करते हैं काम सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड करें तो यहां से आ जाएगा आर बराबर माइनस आर बराबर टू आर बराबर आ गया माइनस टू आर माइनस टू फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए इंटू माइनस टू का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 9 तो ए की वैल्यू कितनी आई 3 क्या रखिए तो टर्म्स क्या हो गए A1 हो गया A मतलब 3 A2 A इंटू आर माइनस 6 A3 12 A4 माइनस 24 कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नोट करिए कोई भी डाउट है तो बताइए थर्ड में फोर्थ क्वेश्चन लिखें इफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स In finite terms, are the GP is 15 and the sum of their squares is 45. Then find the series. Then find the series. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी एक जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम 15 है और उन्हीं टर्म्स के स्क्वायर्स का सम 45 तो सीरीज कैलकुलेट करें सीरीज क्या
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी 15 दिया हुआ है और उनके स्क्वायर्स का सम 45 दिया। सीरीज मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आ जाएगा तो उससे सीरीज आ जाएगी, दो तीन टर्म लिख दीजिए। आदित्य राय बता रहे 5, 10/3, 20/9 सही है बेटा, बहुत बढ़िया। और बच्चे कोशिश करें सर, 5, 10/3, 20/9, 40/27 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं, कॉमन रेशियो आर, तो ये सीरीज पहले ये थी ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे थी। इसके इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, ए अपॉन 1 - r बराबर 15, ये दिया सम ऑफ इनफाइनाइट। अब इन्हीं टर्म्स का क्या करना, स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर, AR का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर पावर 4, ऐसे आगे। ठीक, अब इस इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 - r² बराबर कितना हुआ 45। ए स्क्वायर अपॉन 1 - r² इज इक्वल टू 45। अब ये दो इक्वेशन है, दो नोन है, उनसे सॉल्व कर रहे हैं ए और आर की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके सेकंड में से डिवाइड कर दी, क्या करना है फर्स्ट का स्क्वायर दीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 - r² बराबर 15² और इसमें सेकंड को डिवाइड करिए, सेकंड में डिवाइड किया तो ए स्क्वायर अपॉन 1 - r² अपॉन 45, इससे क्या होगा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 - r² ऊपर गया तो 1 - r × 1+r, 1+r इंटू 1 - r, 1 - r कैंसिल, 1 - r बचा, इधर 225/45 कितना हो गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1+r बराबर 5 - 5r, 6r बराबर 4, r की वैल्यू आ गई 2/3, इससे r की वैल्यू कितनी आ रही 2/3। अब ये r की वैल्यू 2/3 इसी इक्वेशन रख दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 r की वैल्यू यहां 2/3 रखेंगे, देयरफॉर a अपॉन 1 - 2/3 इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, a आ गया r आ गया तो सीरीज हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर सीरीज विल बी a, फिर ar 5 × 2/3 10/3, फिर 10/3 × 2/3 20/9, ऐसे लिखते जाएंगे ये सीरीज है, कोई प्रॉब्लम? कई बच्चों का आंसर आया भी था, कोई भी डाउट है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम
पहले कैसे सम बराबर क्या है, इसमें से टू कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा, वन प्लस इलेवन प्लस वन हंड्रेड इलेवन प्लस वन थाउजेंड वन हंड्रेड इलेवन, ऐसे भी जाएगा। अब देखिए इसमें इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ये हो गया नाइन प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, ऐसा क्यों करते हैं कि सिमिलर टाइप के टर्म मिल जाए जिसको आसानी से ऐड कर सके। तो 9 को क्या लिखो, 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 इज 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को 1000 इज 10 क्यूब माइनस 1, 10 पावर 4 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। सब में माइनस 1 सेम आ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पावर 4 जीपी बन जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर हम करते 1 10 प्लस 1 100 प्लस 11 आता, 100 प्लस 1 नहीं आता, तो सेम टाइप का टर्म बनाए जिससे कि हम ऐड कर सकें सभी टर्म्स को, कोई फॉर्मूला लगा सके, तो इसलिए ऐसे किया। तो इसमें प्लस वाले टर्म को अलग कर लीजिए, प्लस वाला अलग करेंगे क्या क्या है, 10 फिर 10 स्क्वायर है फिर 10 क्यूब है अप टू 10 पावर है, माइनस यहां से माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड टाइम्स कितना हो जाएगा, माइनस है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड टाइम्स क्या होगा, माइनस एन। इसमें जीपी का सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, जीपी का सम क्या होगा, ए इंटू आर पावर एन 10 पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 10 माइनस 1 हो गया 9 माइनस एन, ये आंसर ऐसे लिखेंगे आंसर। कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्लियर सबको, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एस वन एस टू एस थ्री एस पी आर सम ऑफ इन फाइनाइट GPs whose first terms are one, two, three, up to three, and one, two, three, up to p, and common ratios are one upon two, one upon three, up to one upon p plus one, respectively. Then find and solution r is equal to one to p s r barabar p upon two into p plus lambda. Then find lambda. नोट कर लीजिए, एस वन एस टू एस थ्री अप टू एस पी आर सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट जीपीस, कई जीपी हैं, थ्री जीपीस हैं, पहले जीपी का सम इनफाइनाइट टर्म्स का एस वन है, सेकंड का एस टू है, थर्ड का एस थ्री है, ऐसे थ्री जीपीस हैं जिनका फर्स्ट जीपी का फर्स्ट टर्म वन है कॉमन रेशियो वन बाई टू, सेकेंड जीपी का फर्स्ट टर्म टू है कॉमन रेशियो वन बाई थ्री, ऐसे है लास्ट वाले का एस पी का फर्स्ट टर्म पी है कॉमन रेशियो वन बाई पी प्लस वन, तो इन सभी का सम दिया आपसे कहा गया, समय से आर इक्वल टू वन टू पी एस आर, इसका क्या मतलब है, आर की वैल्यू इसमें वन रखो तो एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अप टू एस पी, इसकी वैल्यू यदि है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए, नोट करेंगे और सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग सॉल्व कीजिए बताएं जो भी आंसर आ रहा है।
फर्स्ट एच वन क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या है, वन कॉमन रेशियो वन बाई टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, वन माइनस वन बाई टू रेसिप्रोकल कितना हो गया टू, एच वन की वैल्यू है टू, एच टू कितना होगा, फर्स्ट टर्म टू है कॉमन रेशियो वन बाई थ्री, तो ए अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आर, अगर एक ए बी जी बी का फर्स्ट टर्म अलग है कॉमन रेशियो अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग समझ आएगा कितना आएगा, ये थ्री आर्यन हैंड रेस कर रहे हो, क्या आएगा आंसर, थ्री आ रहा है सर, थ्री आ रहा है, सही है, तो एस वन है टू एस टू है थ्री, ऐसे एस थ्री कैलकुलेट करोगे फोर, इसी तरह से चलते जाएंगे, एस पी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा फर्स्ट टर्म है पी कॉमन रेशियो है वन बाई पी प्लस वन, ऐसे लेंगे पी प्लस वन माइनस वन पी अपॉन पी प्लस वन, पी बी कैंसिल आ जाएगा पी प्लस वन। अब क्वेश्चन क्या लिखा, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू पी एस आर, इसका मतलब है एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अप टू एस पी, आर की जगह वन रखो फिर टू रखो फिर थ्री रखो, सबको ऐड करो, ये होता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, एस वन क्या है टू, फिर एस टू क्या है थ्री, एस थ्री फोर और एस थ्री पी प्लस वन, ये एक एपी है जिसमें पी टर्म है, पी टर्म से एपी का सम क्या होगा, फर्स्ट पी बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और कितना आ गया पी बाई टू पी प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये किसके बराबर है, पी बाई टू पी प्लस लैम्डा, एयर को लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई थ्री, ये आंसर है, चेक करें, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन लिखते हैं, इफ सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, इफ सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द जीपी इज 90 and their product is 216, GP के तीन consecutive term, तीन लगातार term का सम क्या है 19 है, उनका product कितना है उन सेम term का 216, then find sum of infinite terms, infinite terms of GP if it exists, if it exists मतलब common ratio, अगर आप वन से कम लेंगे तो finite value आएगी, infinite component does not exist, तो common ratio आपको क्या लेना है less than one, अगर जो भी values आ रहे हैं, मान लीजिए दो या दो से ज्यादा common ratio आ रहे हैं तो उनमें वो values लें इसमें common ratio की value one से less हो, note करिए। क्वेश्चन नंबर सेवन बनाए, GP के थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम 90 दिया है, प्रोडक्ट 216 दिया है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है उस GP, सभी लोग बनाएंगे इसको, क्वेश्चन नंबर सेवन, आदित्य राय बता रहा 18 आंसर, 18 तो आंसर नहीं बेटा, देखें टर्म्स क्या क्या एज्यूम करेंगे आप बताइए, टर्म्स विल बी ए बाई आर,
ए आर, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया है तो तुरंत ए आ जाएगा उनका प्रोडक्ट, सिंस प्रोडक्ट है ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर, ये बराबर क्वेश्चन दिया 216 आ रहा है मैसेज, ए क्यूब बराबर 216, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। सम दिया हुआ है, सम मींस ए बाई आर, तो 6 अपॉन आर प्लस ए 6 प्लस ए आर 6 आर, ये बराबर 19 है। सिमिलरली यहां से आ जाएगा 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर या 19 आर या माइनस करके माइनस 13 आर प्लस 6 बराबर 0। इसे फैक्टराइज कर लें, इसको क्या ले सकते हैं 36 से माइनस 9 आर माइनस 4 आर, तो आ जाएगा 2 आर माइनस 3 इंटू 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर की वैल्यू लेस देन 2 बाई 3 और 3 बाई 2 भी हो सकती है, लेकिन आर लेस देन 1 वाले लिए, क्योंकि फाइनाइट टर्म्स तभी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आर क्या ले लिया हमने 2 अपॉन 3, कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए नहीं होगा, जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन में हम लोग नहीं कर रहे थे एपी में, या फर्स्ट टर्म ए ना होकर क्या है ए अपॉन आर है। यहां पर जो जीपी हमारे पास बन रही है उसमें देखें फर्स्ट टर्म है 6 अपॉन 2 बाई 3 दैट इज 9, फिर क्या है ए है 6, फिर 6 इंटू आर 6 इंटू 2 बाई 3 बोले 4, ऐसे बन रही है। इसका सम क्या हुआ a अपॉन 1 माइनस r फॉर्मूला होता है, तो a यहां पर फर्स्ट टर्म 9 है, 9 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3 कॉमन ले सकते 2 बाई 3 कितना आ गया 1 बाई 3 ऊपर जाएगा 9 इनटू 3 27, तो नोट करेंगे इसका आंसर है 27 क्वेश्चन नंबर 7 पर। बताएं कोई भी डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फोर सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द जीपी विथ ऑल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स, alternate positive or negative terms of which second term is smaller than first, second term is smaller than first by 35 and third is larger than fourth by 560. Not going. What terms are you going to find the four successive terms of GP? We are continuous term calculate karne hai, jisme alternate positive negative aur diya second term first se smaller hai 35 se, third fourth se larger hai, फोर्थ से ज्यादा है 560 से। नोट करें और इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 जीपी पर जिनका आंसर आ जाए बता सकते हैं। Four successive terms of a GP calculate करना, second term first से smaller है 35 से, third fourth से greater है 560 से। जीपी के टर्म क्या ले सकते हैं?
यहाँ प्रोडक्ट होगा नहीं दिया, तो आप बेटर क्या है ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ही ले लो, ए आर स्क्वायर, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। यहाँ आर क्या हो, आर निगेटिव होना चाहिए, क्यों? ए अगर कोई वैल्यू निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो जाएगा, फिर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन लिखा है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो निगेटिव माइनस अपान प्लस माइनस आएगा, तो आर क्या होना चाहिए निगेटिव, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म ही कॉमन रेशियो है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, फर्स्ट टर्म इज लार्जर देन सेकेंड, और सेकेंड इज स्मॉलर, सेकेंड इज स्मॉलर मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड कितना है 35, और थर्ड फोर्थ से ज्यादा है, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब कितना है 560। इन दो इक्वेशन से ए और आर कैलकुलेट कर लीजिए, टर्म्स आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट, आर स्क्वायर इसमें कॉमन लोगे, ए माइनस ए आर कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 560 अपॉन 35 कितना हुआ बोले 16 आएगा, तो आर की वैल्यू यहां से प्लस माइनस 4, लेकिन उसमें से केवल माइनस 4 लेंगे, आर लेस देन 0 है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये आर माइनस 4 यहां रख दीजिए, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस 4 ए बराबर 35, आई ए बराबर 35, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये है 7 और कॉमन रेशियो है माइनस 4, ए 7 कॉमन रेशियो माइनस 4, तो अब टर्म्स लिख सकते हैं, फाइंड द टर्म्स देगा, टर्म्स विल बी ए हो गया 7, फिर नेक्स्ट क्या हुआ 7 इंटू माइनस 4 माइनस 28, माइनस 28 इंटू माइनस 4 112, 112 इंटू माइनस 4 माइनस 448, ठीक है टर्म्स देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। इसमें एट किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट एट क्वेश्चन में, ठीक है, चलो फिर इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, किसी को कोई भी डाउट है पूछिए।